ये टोपा पहन लेते हैं तो होनी चाहिए कहीं नहीं समझे ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम स्टोन एंड यू आर वाचिंग एसके व्लॉग्स। तो फिलहाल हमने स्नान कर लिया है ना, पापा ने कर लिया, मैंने भी कर लिया है, और बाकी इधर सब्जी बन रही है, दाल है ना। अब ये आटा गूंद देता हूँ बस डेली वाला सेम, एंड बाकी आज पानी डालना ही है। तो गाइस चलते हैं और लेकर आते हैं पानी, है ना। चलो पानी लेकर आते हैं। एंड सूर्योदय हो चुका है, लेकिन आपको लग रहा होगा सूर्योदय नहीं हुआ, बिकॉज आज धुआं है बहुत ज़्यादा, है ना, कोहरा बहुत ज़्यादा। ये देखो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, कोहरा ही कोहरा है। और बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ आपको, है ना, सूर्य भी दिखाई दे रहा है। ये देखो, वो देखो भाई, छोटा सा सूर्य दिखाई दे रहा है ना आपको, वही है ना, आज छोटा सा बिंदु दिख रहा है, क्योंकि धुआं है ना, धुआं सब कुछ इसका प्रकाश ले लेती है ना, सप्रेस्ड। ये देखो, ये इसमें ज़्यादा नहीं, ऊपर नहीं है, नीचे नीचे ज़्यादा है, सर्दी भी है। तो गाइस फिलहाल इधर काफ़ी टाइम से खड़ा हूँ मैं, है ना, इधर कैंपर रख दिया और काफ़ी टाइम से खड़ा हूँ। आज ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी निकल गई, यार दिक्कत हो जाएगी, निकल गई ना, क्योंकि आपको पता है ना, फिर मतलब और आती नहीं है, लास्ट गाड़ी थी, ये भी निकल गई तो समझो गया सब कुछ। अब क्या कर सकता हूँ बताओ, है ना, इधर थोड़ी देर घूमते हैं, खड़े रहते हैं, और क्या करें, है ना, कोई गाड़ी आ जाएगी शायद। तो गाइस सुरेंद्र इधर बैठा है, पढ़ रहा है, एंड पापा उधर बैठे कुछ बना रहे हैं लिस्ट वस्ट। बाकी हम पानी लेकर आए हैं अब, और इस टाइम है ना ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं मतलब है ना उस टाइम काफ़ी देर तक खड़ा रहा। मैंने सोचा हरी वाली जो आती है ना लास्ट में, वो तो चली गई है, ठीक है, मैंने ये सोचा था, क्योंकि नीचे है ना वहाँ पर मतलब उसके जो व्हीकल के जो टायर होते हैं ना वो ऐसे बने हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा वो तो चली गई है ना। और फिर क्या हुआ, मैं दूसरी गाड़ी से भरा कर वापस आ रहा था, तो वो आ गई, और वो मतलब सोच रहे होंगे कि यार आज इससे भरा दिया, तो वो मुझसे पूछेंगे परसों, तो देखते हैं, क्योंकि ना मतलब लेट हो जाती है यार, कभी कभी लेट हो जाते हैं वो भी, है ना। मैं तो आज थोड़ा सा जल्दी, तो क्या मैं तो टाइम पर ही गया था, वो लेट हो गए थे, इसीलिए दूसरे से भरा दिया। काफ़ी टाइम तक खड़ा भी रहा, फिर फोटो वीडियो ऐसा कुछ किया वहाँ पर, है ना, सूर्योदय हो रहा था ना, अच्छा लग रहा था, क्योंकि धुआं थी तो ज़्यादा स्पष्ट दिख भी नहीं रहा था, इसीलिए मस्त आ रहा था, तो वो ज़्यादा फ्लैश हो जाता है ना फिर सूर्य का, तो अच्छा आता नहीं फोटोज का। चलो कोई नहीं, अभी खाना खाते हैं। तो गाइस फिलहाल देखो, है ना, दाल खा रहे हैं, मस्त बनी एकदम, और घी से चपड़ी हुई है ना, ये देखो, और इधर खा रहा है, इसने स्नान भी कर लिया। गाइस देखो इसको कितनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, देखो सर्दी आज खतरनाक आ गई है ना। तो गाइस देखो ये काला धन लेकर आया, एंड अब जाएगा स्कूल। सुरेंद्र तो कभी कहा चला गया, सुरेंद्र एंड पापा कहाँ है, बैग वगैरह, बैग उसके अंदर है, देखो सर्दी लग रही है, फिर भी कुछ नहीं पहना इसने। ये देखो गाइस काला धन, 2000 के बंद हो गए, फिर भी इसके पास है, देखो गाइस कोई काम के नहीं, अब याद कर कहीं काम के नहीं, जयपुर जाके चंद कराऊंगा। ओहो हो, ओके, बाकी बताओ कैसे हो, काफी दिनों बाद आए। मैं कहाँ जाऊंगा, चैन बनी चैन की लगे। तो गाइस ये मेरे अंदर डाल रहा है दुष्ट प्राणी, चलो जाएगा ये तो अभी, है ना, ऐसे ही आया था बस। तो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ, जैकेट आ गया है पापा का, है ना, जैकेट मंगवाया था, मतलब कवित राम जी ने, है ना, उनके भाई है, उन्होंने मंगवाया था तो पापा के लिए, है ना, तो उन्होंने स्पीड पोस्ट किया, तो अभी चलते हैं पोस्ट ऑफिस एंड पापा का जैकेट लेकर आते हैं, कैसा है देखते हैं, है ना, आज देखते हैं कैसा होगा। तो गाइस काफ़ी बाहर आ गया हूँ मैं, है ना, देखते हैं कहाँ पर है यार यूको बैंक, मुझे ज़्यादा पता ही नहीं है, पोस्ट ऑफिस का मतलब चेंज कर दिया ना, इसलिए मुझे पता नहीं है, फिर भी देखता हूँ, ढूंढता हूँ, है ना, यूको बैंक मिल जाए तो उसके आसपास कहाँ है पापा ने, तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। फिलहाल हम आ गए हैं इधर, है ना, पोस्ट ऑफिस ये रहा इधर, है ना, और बाकी इधर आया पार्सल, तो अभी देखते हैं थोड़ी देर मिल जाएगा, है ना, 2 मिनट वेट करते हैं। तो गाइस फिलहाल हमें मिल चुका है अपना पार्सल, ये रहा, है ना, और बस अभी चलते हैं घर वापस जल्दी से, पापा भी आ रहे होंगे अब तो, चलो। तो गाइस अभी एक और काम रह गया है ना, कवित राम जी सर ने मतलब भेजी थी बुक्स, वो ले लेता हूँ। तो गाइस फाइनली हम लेकर आ गए, ये रहा वो जो मंगवाया था, है ना, जैकेट पापा का, पापा आएंगे फिर वो अनबॉक्सिंग करते हैं, एंड ये किताब से कुछ बुक्स, है ना, कवित राम जी सर ने भेजी थी कुछ बुक्स से पापा के लिए। सुरेंद्र भी आ गया वापस, और मैं जस्ट अभी अभी आ जाऊँगा ना, सुरेंद्र मुझसे पहले आ गया था आज, है ना, और पापा भी शायद आने वाले हैं, तो चलो।
तो गाइस फिलहाल पापा आ गए हैं एंड पापा ने फर्स्ट टाइम फर्स्ट ये वाली करी है सारी अनबॉक्स, क्या कहते हैं बुक्स है ना, हिंदी की बुक्स है सारी, है ना, बहुत सारी है। पापा को हिंदी बहुत पसंद है ना, हिंदी भाषा जितना सोचते हो उतनी आसान नहीं होती बच्चों, बहुत ही बहुत गुड होती है। बाकी पार्सल अभी तक नहीं खोला है, थोड़ी देर में खोलते हैं ना, अभी मैं थोड़ा ये खा लेता हूँ। गाइस देखो अभी पापा बुक्स के बारे में कुछ बताएंगे। चलो ये भगवद गीत सार है, भगवान कृष्ण से संबंधित है, रामचंद्र शुक्ल का है ये, ये भी हमारे कोर्स का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि सलाम उपन्यास है, उपन्यास ये हिंदी भाषा उद्भव विकास और मानक रूप है, ये भी बहुत काम की चीज है क्योंकि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संबंधी है, और ये साहित्यिक निबंध से लेकर है कि जिसमें साहित्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा है, बहुत ही ऑथेंटिक बुकें हैं, और ये महाभोज मनु भंडारी का लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार कहानी है, और ये हिंदी की बहुत सारी कहानियाँ जिसके अंदर जयशंकर प्रसाद है, ये डॉक्टर विक्रम सिंह राठौर द्वारा लिखी गई है और अरिहंत प्रकाशन से है, और ये कबीरदास सूरदास मीराबाई मणिपुर जायसी तुलसीदास सबकी है। तो ये पीछे इसके फोटो भी आ रखे हैं, और आप दिखाते हैं ये जो हिंदी काव्य की बहुत बड़ी बड़ी बुकें हैं, ये रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास है पूरा पूरा, और ये बुक है हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिमूलक अभिनय इतिहास, ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय की बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है, और ये हिंदी काव्य का इतिहास है पूरा। तो हिंदी की भी तो बहुत सारी कृति कर ली, अब चुनौती ये है कि इन्हें पढ़कर टाइम से पढ़नी भी है, क्योंकि क्यों ला के रखने से कुछ नहीं होता है, पढ़ना भी पड़ता है ना, और एक बहुत ही खास बुक है जो उधर पढ़ी है मेरी, मतलब हिंदी भाषा और ये वाली हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की है, बहुत ही शानदार बुक है ये भी। तो गाइस फिलहाल हम ये उसका कर रहा है साला बदतमीज़, ये कविताराम जी सर के भाई ने भेजा है ना, उन्होंने ही कहा था, और बुक्स वगैरह सारी कविताराम जी के कहने पर ही भेजी गई है ना, और बाकी ये भैरू श्याम जी का नाम लिखा हुआ है देखो है ना, ये मतलब वो ही है जो कविताराम जी के भाई है ना, उन्होंने भेजा ये। और चलो अभी करते हैं अनबॉक्सिंग, चलो पापा करेंगे क्यों पापा का ये है ना, तो पापा करते हैं अनबॉक्सिंग, देखो फटाफट कर दो। तो बाद अनबॉक्सिंग नहीं हो रहा है, ये सुरेंद्र का राइडर से इसने शुरू कर दिया, ये देखो ये हो गया, पता नहीं कर दिया स्टार्ट, फर्स्ट बॉक्स इज अनबॉक्सिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, फर्स्ट पार्सल इज अनबॉक्स ऑन यूट्यूब चैनल, पहले कोई बात नहीं इसका तो हो चुका है, चुपक रहे ना, देखते हैं चले कौन करवाता है, पापा से तो वही नहीं है, इसने एक टाइम वीडियो उतारी, देखो कैसे उतार यार, इधर बल वाओ ओ माय गॉड ओ माय गॉड सारा एक साथ जो आ गया एक दम, ओ भाई साहब धीरे 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 भाई युद्ध चल रहा है देखो यार, अनबॉक्सिंग में युद्ध युद्ध, ओ भाई ये देखो गाइस फाइनल खोल दुकान, ये देखो इसके अंदर ये तेली है, चले चले तो खोलते हैं देखते हैं, ये देखो गाइस फाइनली पापा का कोट आ गया है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, वाओ ये टोपा है ऊपर वाला जो कैप, एंड ये है पूरा कोट, वाओ ये देखो दैट्स जस्ट आई लाइक इट, वाओ वाओ एंटर करते हैं, ये देखो गाइस कितना मस्त है, वाओ ओ ये क्या, ये क्या कौन जाए, नहीं 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 ये डबल है यार, ये डबल है, ओ भाई साहब ये तो ये लग रहे हैं, वाओ ये देखो गाइस ये अलग होता है गाइस, अलग नहीं होता, ये होता है थोड़ा सा होता है पूरा मीठा थोड़ा सा, ये नहीं जाता चलो पहनो पहन कर दिखाते हैं सर, वाओ ये देखो गाइस बाबा के ऊपर ये ओप रहा है, ये देखो काफी अच्छा लग रहा है ना, ये देखो गाइस ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है गाइस, तो गाइस बाबा कह रहे हैं इसमें रुपए डाले हुए हैं, एक में 40,000 50,000 है ना, ये देखो काफी अच्छा लग रहा है वैसे तो, अरे वीडियो देख लिए तो कहीं दो मार पास दो एंड ये ऐसे बीच में आ रहा है पागलपंती करता है, देखिए सर्दी को रोकने का सबसे आसान तरीका पता भी है कि सर्दी में ऐसा पहनते हैं तो कभी ठंड नहीं लगता, और ये टोपा पहन लेते हैं तो होनी ही कहीं नहीं समझे ना, ऐसे टोपा पहन लिया तो पता नहीं पीछे गाड़ी आ गया तो सुनाई कौन देगा, ओके देन कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट
ओपनिंग ऑन द यूट्यूब। यूट्यूब पर फर्स्ट ओपनिंग वीडियो है मेरा, अनबॉक्सिंग है ना। तो गाइस वहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आसिफ एंड अरमान है ना, वो ऊपर चढ़े हैं। देखो हमें बुकार रहे हैं, सर्वेंट सर्वेंट कर रहे है ना, वो देखो ऊपर चढ़ गए। अरे तीन चार लोग, अरे यार ये गिर गए ना तो दिक्कत हो जाए। पांच सभी खड़े हैं इधर टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये ट्राई किया है ना, मुझ पर कैसा लग रहा है ये देखो, ऐसे काफ़ी है तो अलग ही है ना, थोड़ा अलग फील होता है इसका है ना बाकी, लेकिन मतलब कलर थोड़ा अजीब है। वो और ऊपर जा रहे हैं वो आसिफ एंड अरमान वगैरह है ना, ये क्यों जा रहे हैं यार, गिर गए कर गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, कैसे लोग। चलो कोई नहीं, अपना अपना एडवेंचर है ना। तो गाइस देखो इसने भी ट्राई किया हवा वाला कोट, इस पर तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे इसने कोई और कुछ पहन लिया, कॉस्ट्यूम वगैरह लग रहा है ऐसा, बहुत बड़ा लग रहा है इस पर तो है ना। तो गाइस ये देखो आसिफ आ गया, ऊपर क्यों चढ़ा था पता, बुर्ज खलीफा चढ़ के आया था गया, बुर्ज खलीफा आसिफ आया है एंड ये आया अरमान, आज इसके दुकान गया था मैं। और मेरे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, भीड़। तो गाइस ये देखिए ये हैं सारे के सारे बच्चे यहाँ से आए है ना, सब्सक्राइब कराया। ओ देखो आसिफ सिखाता है, ये सारे आए, इतने सारे बच्चे आज। हर एक ही सब्सक्राइबर नहीं है, फोन में कर रहे एक ही नहीं है, मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ये ऐसे ही आ जाते हैं सारे। ये देखो ये देखो ये गाइस ये क्या क्या कर रहे हैं, देखो अंदर है अंदर। तो गाइस देखो इधर लेजर लाइट शो हो रहा है, ओह माय गॉड, देखो इसको अभी मार रहा था सुरेंद्र है ना चकुड़े से। तो गाइस फाइनली सर्वन का टोपा, आई एम पेरा नॉट माय टोपा। ओ भाई साहब ये क्या लड़का है, ये लड़की होता ही नहीं। ओ माय गॉड, पापा भी उधर वीडियो कर रहे हैं है ना, ये भी देख रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इसका ये है ना कोट भी सेम कलर का, तो इसलिए टमक टमक, ये घूंघट वो है, घूंघट कर रहा है घूंघट। आज तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया वीडियो क्यों ना, पहले मतलब वो क्या कहते हैं अनबॉक्सिंग का, फिर ये आसिफ वगैरह आ गए एंड बाकी बच्चे भी आए थे काफी सारे है ना, एंड सुबह ये आसिफ आया था, ऐसे करके काफी ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसको कट करके करके ही मैं बना दूंगा शॉर्ट, एकदम मस्त मस्त बना दूंगा, लगभग 10 मिनट के आसपास का है ना। अभी काफी दिनों मतलब 2-3 दिन हो गए ना, 5 मिनट का बनता है कभी 6 मिनट का, क्योंकि अभी कंटेंट होता ही नहीं है दिन में है ना। तो आज तो काफी सारा कंटेंट बढ़ गया था मुझे, तो देखते हैं ज्यादा बड़ा हो गया तो मैं मतलब 2 दिन कर दूंगा आज और कल है ना, नहीं तो आज ही कम्प्लीट। मलखम्ब हो रहा है, कुश्ती हो रही है, अरमान तो बहुत ज्यादा मतलब वैसे है ठा, ये थोड़ा पतला है ना, ये पतला है ना इसीलिए ऐसे होता नहीं कुछ है ना। जा जा उसको पटक, ये देखो ऐसे लड़िंग लड़िंग। तो आज देखिए ये बर्तन धो रहा है ना, अभी जस्ट हमने लाइव खत्म किया एंड अभी देखते हैं अभी बस क्या करेंगे, अब मतलब सब खत्म हो गया है ना, खाना खा लिया हमने मस्त एकदम जगह बना था आज खाना, और लाइव जो जुड़े थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो जुड़े थे वो कमेंट भी कर लेना है ना, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप जुड़े रहे एंड बाकी अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, गुड नाइट बाय।